अस्सलामुअलैकुम माई व्यूअर एंड माई सब्सक्राइबर, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नदीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा इन्फो। तो मैं आज अपने भाइयों को बताता हूँ हम पाकिस्तान से बेलारूस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और जो सबसे बड़ी बात है वो इनविटेशन लेटर हम कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी एम्बेसी फ़ीस कितनी है और कितने दिन में इसका वीज़ा लग के आ जाता है। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बेलारूस का वीज़ा लगा है। तो मैं यही अब सभी अपने भाइयों को बोलता हूँ कि एजेंटों के पास ना जाएं, खुद कोशिश किया करें, क्योंकि आपको भी पता चले कि कोई भी कंट्री का हम कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं आपको अभी डिटेल के साथ बताता हूँ कि बेलारूस का वीज़ा हासिल करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कहाँ कहाँ से बनते हैं वो। तो इससे पहले अभी तक जो भी मेरे भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेटिंग वीडियो उन तक जल्दी से पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन होगी वो आप तक इजी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नदीम भाई हमें स्पेन की एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब स्पेन की एम्प्लॉयमेंट ओपन होगी स्पेशली मैं इन्फॉर्म करूंगा सभी अपने व्यूअर को सब्सक्राइबर को कि अभी स्पेन की एम्प्लॉयमेंट ओपन है तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट लोग ये सेल करते हैं 15-20 हज़ार रुपये की आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं बुक करके। तो ये कोशिश करें कि आप खुद करें, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं बेलारूस पे कि उसका वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आपके पास वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वैसे भी आप फिल कर सकते हैं। और आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए A4 साइज़ पर, और आपके पास 6 महीने वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जो पासपोर्ट एक्सपायर होने में 6 महीने पड़े हों उसके ऊपर आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास MRC होनी चाहिए, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके पास FRC होनी चाहिए। वो नादरा से बहुत इजी बन जाती है, नहीं है तो इजी बन जाती है वो, ठीक है, नादरा से। तो आपके पास 4 वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 35-45 है। और बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपके नज़दीक कोई पुलिस स्टेशन है, मुतलका थाना है, वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और आपके पास वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, मैंने पहले भी डिटेल के साथ बताया हुआ है। जो भी आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं ना, वीज़ा ऑफिसर को अच्छे तरीके के साथ सेटिस्फाई करें। अगर कोई मेरे भाई को नहीं पता तो जहाँ तक मुझे पता है मैं अपने भाइयों को बताऊँगा, मेरे साथ रब्ता कर लें। तो इंशाल्लाह मैंने ये चैनल इस वजह से बनाया है कि लोगों को खुद पता चले कि कैसे हम कोई कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इस वजह से तो आपके पास वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, आपके पास टूरिस्ट प्लान होना चाहिए कि आप बेलारूस में जाके आपकी क्या एक्टिविटी होगी, कौन कौन सी सिटी आप घूमेंगे, तो वो डिटेल के साथ बताएंगे। अक्सर क्योंकि कोई भी शेंजन कंट्री है, ये तो यूरोप कंट्री है, ठीक है, कोई भी शेंजन कंट्री है, अक्सर लोगों की रिफ्यूज़ल लगी है, फिर बाद में रब्ता करते हैं, कहने दीप भाई हमारी रिफ्यूज़ल लगी है, अभी हम क्या करें। तो जब मैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ तो ज़्यादा यही रिफ्यूज़ल लगी है कि हम आपके टूरिस्ट प्लान पे सेटिस्फाई नहीं है तो हम आपको वीज़ा नहीं ग्रांट करते। तो अच्छे तरीके के साथ आप अपना टूरिस्ट प्लान लिखा करें, क्योंकि वीज़ा फीस सेटिस्फाई होगा तो हमें वीज़ा मिलेगा। तो मैंने स्पेशली इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर कैसे लिख सकते हैं और टूरिस्ट प्लान। अगर आप 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें 3 से 4 सिटी लिखें, ज़्यादा सिटी ना लिखें, फिर आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपके पास कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। अगर आप खुद कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके नज़दीक कोई भी ट्रैवल टूरिस्ट वाले होंगे, वहाँ से आप ये सब कुछ करवा सकते हैं। और आपके पास ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 10,000 यूरो को रिकवर करती हो, ओरिजिनल हो, बारकोड के साथ हो और कॉपी भी।
और आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। इनविटेशन लेटर हम कैसे हासिल कर सकते हैं और इनविटेशन के साथ बेलारूस के वीज़ा लगने के चांसेस कितने होते हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कोई आपका रिश्तेदार वहाँ पर है, कोई यार दोस्त है, तो उससे आप इनविटेशन मंगवा लें। अगर किसी का कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव नहीं है, तो जो भी आप होटल बुक करेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो ये ट्रैवल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंट ऑपरेटर होते हैं, वो भी आपको इनविटेशन लेटर दे सकते हैं। वो अपने से थोड़े से चार्जेस लेंगे तो आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि बेलारूस का कुछ लोग बोलते हैं, हाँ जी, इनविटेशन के साथ कितने चांस होते हैं। तो मैं ये आपको अभी बता रहा हूँ कि इनविटेशन के साथ आपके 100% चांस हैं। जो बेलारूस का वीज़ा है, वो जो इनविटेशन है, समझें वही वीज़ा है। तो जब आपके पास इनविटेशन लेटर होगा, और एक और आपको बात बताऊं मैं, जो बेलारूस का इनविटेशन लेटर है वो बाय ईमेल नहीं होना चाहिए, बाय कोरियर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए बाय कोरियर। फिर अब ऐसी वाले आपकी फ़ाइल रिसीव करेंगे, नहीं तो आपको फाइल रिटर्न कर देंगे आपकी। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 6 से 7 लाख रुपया हो, तो आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाने जाएं, फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे स्टैम्प और सिग्नेचर हो, साथ में मेंटेनेंस लेटर हो, उसके ऊपर भी स्टैम्प और सिग्नेचर होने चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि बेलारूस का वीज़े की कितनी फ़ीस है और कितने दिनों में हमें मिल जाता है। जो बेलारूस का वीज़ा है उसकी 60 यूरो फ़ीस है। 60 यूरो अगर आप फीस देते हैं तो फिर आपको 8 से 10 दिन में मिल जाएगा। अगर आप अर्जेंट लेना चाहते हैं, फिर 120 यूरो है, तो आपको 2 दिन में बेलारूस का वीज़ा मिल जाएगा। तो इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है। और सबसे जो बड़ी बात है, जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे, ये आपकी फ़ाइल देखेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएं, ठीक है, और साथ में एक कापी भी हो, हर चीज़ की ओरिजिनल भी हो। जब ये आपकी फ़ाइल देखेंगे, इन्होंने अगर आपको वीज़ा देना हुआ तो आपकी फ़ाइल ये रिसीव कर लेंगे, नहीं देना हुआ तो आपकी फ़ाइल रिटर्न कर देंगे। तो यही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, मैं सोचा अपने भाइयों को बताऊं कि स्क्रीन पे भी आपको मैंने दिखाया हुआ है कि बेलारूस का वीज़ा लगा है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे भाई कोई भी कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, वो खुद करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऑथेंटिक वीडियो पर। अस्सलामुअलैकुम।